हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। एक में पता नहीं कहाँ गिर गया है। और उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी बैठी हूँ, बादल है बहुत तेज मेरे यहाँ, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। देखो मौसम दिखाती हूँ, हल्की हल्की बारिश सी हो रही है ये देखो। और मौसम भी अच्छा है, हवा हल्की सी चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो इधर से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है तो अच्छा भी लग रहा है। देखो जब बारिश हो जाती है तो आवाज़ खूब आती है गाड़ी वगैरह की बहुत ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं देखो क्या बनाने के लिए। अभी तो पता नहीं क्या बनाऊंगी। आंसी हमारी ये फ़ोन चला रही है, सर मेरे ये बैठे हैं। तो अब हम जा रहे हैं कुछ बनाएंगे, झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं, बैठे हैं बस आराम से। देखो ऑपरेशन हुए कि की लती है ना, मैं साफ ना आ रहा कैमरा यार। देखो अक्सर के मेरे पता उन्हें चल रहा है वो, मतलब कील सूख गए हैं जहाँ पे तो टाँके लगे थे, जे तो पहले ही से निकल गई। एक यहाँ थी और दो यहाँ थे, एक जी एक ही। अब देखो सूख गया है तो पता नहीं चल रहा। चाय देखो कटोरी में मैंने कर ली, ठंडी नहीं हो रही थी इसमें। चावल बिरयानी बना लिए हैं और शर्मिर खा रहे हैं, आंसी भी इधर खा रही है चावल। ये देखो थोड़े से रखे हैं सादा, मैंने तल के बिरयानी टाइप में बना लिए थे सुबह सुबह का नाश्ता। सीमा है हम हनुमान जी की हर की लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है।
त्रेता के राम एक युग के लिए, द्वापर के कृष्ण एक युग के लिए, सत्यनारायण सतयुग के एक युग के लिए, कलयुग के कल्कि एक युग के लिए, पर हनुमान जी की क्षमता कहाँ तक है, तो चारों युग पर ताप तुम्हारा, चाहे युग कोई भी रहे पर ताप हनुमान जी का है, और कोई हवा में बात नहीं है, पर सिद्ध जगत भी आ रहा, यानी सिद्ध की हुई बात है, प्रमाणित बात है। कहने का मूल विषय यहाँ पे ये है, पर हनुमान जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हनुमान जी ने जानते क्या बोला, एक लाइन में माता जी से बोल दिया, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की। और जहां सीता माता के हृदय में सपाट बात पहुंची, हनुमान जी को सीता माता जी ने क्या कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। जहाँ हनुमान जी ने सच बोला कि भैया राम के दूत है, राम के दास है, राम के सेवक है, और राम की कसम खा के कह रहे कि राम के काम के लिए आए हैं, तो हम सीता माता जी ने सारी नौ ग्रह की शक्ति समेटी, सारी नौ देवियों की शक्ति समेटी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और अश्वर दीन जानकी माता हनुमान जी को दे दी। इतनी बड़ी शक्ति काहे को दे दी, कारण सच बोला। आप लोग भी अपने जीवन में 10-10 ग्राम भी सच कहीं तो बोलो, हैं? तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में भी झूठ नहीं रहेगा, सच शुरू हो जाएगा, तो आपके जीवन में भी कोई कष्ट नहीं रहेगा। दुख का कारण केवल आपका झूठ है। आप किसी के घर जाएं, अम्मा के लला खाना खाए, देखो कन्या खा रही है, मेरे सारू हैं, कन्या खा रही है, एक जी रही कन्या, सबसे छोट ये हैं, सबसे छोटी कन्या इधर भी हैं पूरे कन्या सबसे छोटे वाले, आंसी भी देखो खा रही है, और इधर भी सारे लोग खा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, देखो हम घर पे पहुंच गए हैं। आंसी हमारी देखो कपड़ा भी चेंज कर लिए है आंसी ने, और मैंने भी कपड़ा चेंज कर लिए हैं, और मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, तो नहीं जा रहे, तो अब हम वीडियो समाप्त यहीं कर रहे हैंगे। वीडियो भी मैंने वहाँ नहीं ज़्यादा बनाई थी, और मैं भी जा रही हूँ कपड़ा चेंज करके। गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी रास्ता में, इतना अच्छा लग रहा था हवा में, और यहाँ पर आके पसीना में आने गए, उधर इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, और बादल भी है तेज। तो मैं यही वीडियो समाप्त कर रही हूँ। राधे राधे सभी लोगों को, गुड नाइट और शुभ रात्रि सभी लोगों को, अच्छे से रहिएगा, बाय बाय।